27 साल से गुजरात में बीजेपी की सरकार है, 27 साल में इन्होंने सरकारी स्कूलों का ये हाल कर दिया। मैं आपको कहना चाहता हूं, 5 साल अगर आप और इनको दे दोगे, ये कुछ नहीं करने वाले। ऐसे ही चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा? ये ऐसे ही करेंगे और कुछ नहीं करने वाले। इन्होंने कुछ नहीं करना, लूटना है केवल। और 5 साल दे दो, गुजरात नहीं सुधरेगा। हमें एक मौका दे दो, हमें एक मौका दे दो। अगर 1-5 साल के अंदर हमने गुजरात के सारे स्कूल ठीक नहीं किए, अगली बार मेरे को लात मार के भगा। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के नाम पे आप लोगों को विस्थापित किया गया। आज भी एक आदिवासी अपनी 2 जून की रोटी खाने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए तरसता रहता है। गुजरात के अंदर बहुत बड़ी विडंबना है, और हमारे देश के सबसे गरीब आदिवासी भी गुजरात से आते हैं। दाहोद के अंदर, छोटा उदयपुर, अरवली, डांग, कितने इलाके ऐसे हैं जहां पे बहुत गरीब लोग रहते हैं। एक तरफ बीजेपी और कांग्रेस पार्टियां उन अमीरों के साथ खड़ी है, ये दोनों पार्टियां केवल उन अमीरों को और अमीर बना रही हैं, और अमीर बना रही हैं। आज मैं कहने के लिए आया हूं कि केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, छोटू भाई, महेश भाई, हम आपके साथ खड़े हैं, हम गरीबों के साथ। जब तक इन पार्टियों की सत्ता, ये पार्टियां उन अमीरों को अमीर बनाएंगी। लेकिन मैं आपको कहने वाला हूं, हमें एक मौका दे दो, हम आपकी गरीबी दूर करेंगे, आपके बच्चों को पढ़ाएंगे, आपके लिए अस्पताल बनाएंगे, आपके लिए। हम अमीरों के साथ नहीं है, हम आपके साथ खड़े, हम गरीबों की पार्टी नहीं, हम आम लोगों की पार्टी, हम अमीरों की पार्टी नहीं है। दिल्ली के लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, आज मैं गुजरात के लोगों से प्यार मांगने के लिए आया हूं। मैंने सुना है कि गुजरात के लोग दिल से काम करते हैं, गुजरात के लोग बहुत इमोशनल होते हैं। गुजरात के लोग अगर एक बार किसी से प्यार करें तो जिंदगी भर प्यार निभाते हैं। मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि केजरीवाल भी दिल से प्यार, दिल से काम करता है। केजरीवाल भी बहुत इमोशनल है, और केजरीवाल भी एक बार प्यार करे तो जिंदगी भर प्यार निभाता है। आज मैं गुजरात के 6.5 करोड़ लोगों के साथ दिल से दिल का रिश्ता बनाने के लिए आया हूं। मुझे राजनीति करनी नहीं आती, मुझे गंदी पॉलिटिक्स करनी नहीं आती, मुझे चोरी करनी नहीं आती, मुझे भ्रष्टाचार करना नहीं आता, मुझे काम करना आता है। मैंने लोगों से बात की, गुजरात के अंदर इस टाइम स्कूलों की, सरकारी स्कूलों की बहुत बुरी हालत है। अभी अभी महेश भाई भाषण दे रहे थे, मेरे को उन्होंने बताया, यशुदान जी मेरे लिए ट्रांसलेट कर, 6,000 सरकारी स्कूल इन्होंने बंद कर दिया मर्जर के नाम पे। 6,000 सरकारी स्कूल इन्होंने गुजरात के अंदर बंद कर दिए। सरकारी स्कूलों की हालत बहुत खराब है गुजरात के अंदर, दीवारें टूटी पड़ी हैं, जंग लगे पड़े हैं, टीचर हैं नहीं। कई स्कूल ऐसे हैं जिसमें 7-7, 8-8 क्लासों का स्कूल है और एक ही टीचर है, और कई स्कूल में तो एक भी टीचर नहीं। कितने लाख बच्चों का भविष्य खराब है, लेकिन ये बदल सकता है। हमने दिल्ली में बदल के दिखाया है। दिल्ली में भी पहले यही हाल था, दिल्ली में सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल था। दिल्ली में सरकारी स्कूलों में पहले टीचर आते नहीं थे, पढ़ाई नहीं थी, सरकारी स्कूल टूटे पड़े थे, दीवारें टूटी पड़ी थी, कुछ भी नहीं था, बच्चे आते नहीं थे, गरीब आदमी बेचारा मजबूरी में अपने बच्चों को सरकारी स्कूल शानदार बन गए हैं।
इतने अच्छे बन गए, इस साल 4 लाख बच्चों ने अपने प्राइवेट स्कूल से नाम कटवा के सरकारी स्कूल में, इससे बड़ा और सबूत क्या होगा? 4 लाख बच्चों ने सरकारी स्कूल से प्राइवेट स्कूल से नाम कटवा के सरकारी स्कूल में भर्ती कराए हैं। बड़े बड़े अमीर लोगों ने, बड़े बड़े वकीलों ने, बड़े बड़े डॉक्टर अफसर अपने बच्चों का प्राइवेट स्कूल से नाम कटवा के सरकारी स्कूल में भर्ती करा रहे हैं। अब एक ही डेस्क पे सरकारी स्कूल में, एक ही बेंच पे जज का बच्चा, अफसर का बच्चा और रिक्शे वाले का बच्चा एक ही बेंच पे बैठ रहा है। ये बाबा साहब अंबेडकर का सपना था जो 75 साल में पूरा नहीं हुआ, लेकिन मैंने कसम खाई है बाबा तेरा सपना अधूरा केजरीवाल करेगा पूरा। इस साल हमारे सरकारी स्कूलों के नतीजे दिल्ली में 99.7% नतीजे आए हैं, 99.7% नतीजे भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। दूसरे राज्यों में 50% आते हैं, 60%, 40%, दिल्ली में 99%। इतने शानदार स्कूल है। छोटू भाई वसावा जी और महेश भाई वसावा जी दिल्ली आए थे अभी थोड़े दिन पहले, हम इनको स्कूल दिखाने के लिए ले गए। छोटू भाई जी, पसंद आए कि नहीं आए स्कूल? पसंद आए कि नहीं? छोटू भाई, महेश भाई हमारे स्कूल देख के आए, हमारे अस्पताल देख के आए। मैं आज इस मंच के माध्यम से गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी को भी आमंत्रित करता हूं, आइए हमारे स्कूल देखिए, आइए हमारे अस्पताल देखिए, आइए हमारे स्कूल देखिए। ऐसे ही मत क्रिटिसाइज कीजिए,